गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से शब्द विचार को जानेंगे। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा वर्णों और वर्णों के भेदों को बताया था और वर्ण के द्वारा ही हम शब्द बनाते हैं, इसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी को आज हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि शब्द विचार क्या है और शब्द हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वर्णों के द्वारा ही हम शब्द को बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो दोनों वर्ण होते हैं, उन दोनों वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तभी हम एक छोटा सा शब्द बनाते हैं। उन्हीं शब्दों से हम वाक्य की रचना करते हैं और उन्हीं वाक्यों से हम हिंदी में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों का रचना करके हिंदी को रूप देते हैं। तो आइए हम जानते हैं शब्द विचार। तो वर्णों के मेल से ही हम शब्दों को बनाते हैं, या तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, और अब शब्द को किस प्रकार बनाते हैं उसे जानते हैं। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ण वर्ण क्या होता है, ये क्या हो, ये स्वर वर्ण हो गए, ये क्या है, ये व्यंजन वर्ण हो गए। जब एक से अधिक वर्णों को हम मिलाएंगे तो वो शब्द बनेगा। जैसे कि आ योर माँ, ये क्या हो गया, आम। जब हम दो वर्णों को मिलाए तो यह क्या, एक शब्द का रूप ले लिया। ये कौन सा शब्द बन गया, आम, जिससे कि हम जानते हैं कि यह एक फल का नाम है। लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे माँ जोर आम, तो ये क्या हो गया, माँ। तो ये क्या कोई शब्द है? नहीं, ये कोई शब्द नहीं है। अगर हम वर्णों को सही रूप से सही जगह में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे हम उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करते हैं, तो वह वर्ण गलत शब्द का गलत शब्द गलत रूप दे देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को वर्णों को सही रूप में सजा करके वर्णों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि वह शब्द का रूप दे और एक सही शब्द बन करके एक सही अर्थ निकल पाए। तो उसी प्रकार शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जब हम एक वर्ण को, दो वर्ण को, तीन वर्ण को, तीनों वर्ण, चार वर्ण को, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं और उन वर्णों से शब्द बनाते हैं, उन्हें जोड़ करके जो शब्द आता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा है, ती जोर त जोर ली, क्या हो गया, तितली। तो यह वर्ण जो है अलग अलग है, इन वर्णों में मात्राएं भी लगी हुई है, या व्यंजन वर्ण है, इनमें स्वर की मात्रा लगी हुई है, और इन वर्णों को मेल करके हम लोगों ने एक शब्द बनाया है। उस शब्द क्या बना है, तितली। और यह शब्द जो है तितली बन गया है, और इधर तितली शब्द क्या है, एक पक्षी का नाम है। उसी आधार पे आइए हम जानते हैं शब्द के भेद। शब्दों के भेद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन शब्दों के हम लोग दृष्टि के आधार पर शब्दों का भेद बांटते हैं। तो सबसे पहले रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विकारी शब्द किन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक आदि के कारण परिवर्तन होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिन वाक्यों में उसका जो परिवर्तन है, जो शब्द का परिवर्तन, जो वाक्य का परिवर्तन है, वो लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के रूप में होता है, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लिंग, अगर हम कहीं पर, अगर हम स्त्रीलिंग के लिए बोध कर रहे हैं, तो वहां पे रही है, खा रही है, जा रही है, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शब्द जो है स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे वचन, वचन में जब हम एक वचन का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक वस्तु के बारे में बताएंगे, लेकिन जब दो वचन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका वचन बदल करके बहुवचन में हो जाएगा। जैसे तितली, तो उसका क्या हो जाएगा बहुवचन, तितलियां। तो वहां पे क्या होगा कि वचन के रूप में विकार का शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाएगा, पुरुष तथा कारक। उसी तरह से पुल्लिंग पे और उसी तरह से कारक पे, कारक पे जैसे हम टेबल पर, तो क्या हुआ, जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। मैंने उसको, तो मैंने किसको, मैंने उसको वह सामान दिया, यहाँ पे कारक क्या हो गया, को। तो इस प्रकार से जो भी शब्दों का परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द में आता है, और इस प्रकार से हम शब्दों को बदल करके वाक्य की रचना और शब्दों की रचना
अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एवं विस्मयादि बोधक। तो ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी कार्य या परिवर्तन नहीं होता है उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसके रूप में परिवर्तन होता है। किसके आधार पर परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर। लेकिन अविकारी शब्द के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है या अपने रूप में शब्दों को अपने वाक्य में रहते हैं उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम तेज चलेंगे, हम कैसे चलेंगे? हम तेज चलेंगे तो क्या विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वह उसकी क्या हुई? क्रिया हुई। तेज दौड़ना उसकी क्या हुई? क्रिया हुई। तो उसकी किस विशेषता को बता रहा है? वह उसकी तेज दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। मोहन कम बोलता है तो मोहन क्या करता है? बोलता है। लेकिन क्या ऐसी विशेषता है उसकी कि वह कम बोलता है? तो वह उसकी क्रिया की किस विशेषता को बता रहा है कि मोहन कम बोलता है। उसी प्रकार से दूसरा है संबंध बोधक, जो कि वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ता है। किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को जो जोड़ने का काम करता है उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम, तो यह क्या कर रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो यह क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। समुच्चय बोधक, जो कि विभिन्न विभिन्न कारक में आ करके और अलग अलग वस्तुओं को जोड़ करके एक रूप, एक शब्द, एक वाक्य देता है उसे ही हम समुच्चय बोधक। जोड़ करके शब्दों का रूप देता है, शब्दों को जोड़ करके वाक्यों का रूप देता है उसे ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक, जिससे हमें हर्ष, शोक, उल्लास आदि वस्तुओं का पता चले उसे ही हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, हाय राम, यह क्या हो गया? ओह, तो ये सब क्या हुआ? विभिन्न विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक आदि का बता रहा है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि अभी क्या घटना घटित हो रही है। तो यह वो शब्द विचार जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों ने शब्दों को जाना। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के ही, वर्णों के मेल से जो शब्द होते हैं उन्हीं से वाक्य बनते हैं, और उन्हीं से शब्दों के जिस परिवर्तन से लिंग, पुरुष, कारक जिसके परिवर्तन, नाम परिवर्तित होने से विकारी शब्द बनते हैं और नाम परिवर्तित होने से अविकारी शब्द बनते हैं, और इससे तरह तरह के वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।